Before starting the video, I would like to tell you something about ipsguide.com. In their website, they provide a daily free question which help you to boost your preparation either for banking or SSC examination. Also, you can check out their test series which has high standard question with a detailed solution, and at the end of the each test, we provide with smart analysis that how well you performed, which are the area you must work on, and also test series are available in both language, that is Hindi as well as English. It is accessible on both desktop as well as mobile app, whichever suits on you. For more information, you can visit estore.ipsguide.com. Now let's move toward our video. Hello friends, welcome to our best guide. Today we will solve a puzzle which is based on linear, and this type of puzzle is very helpful for SBI PO 2019 as well as other bank exams also. And for more quality mock, visit www.ibabasguide.com. Let's see the puzzle. Ye raha puzzle based on linear arrangement. So friends, I request you all to pause the video and try it by yourself first. आइए देखते हैं इंस्ट्रक्शन पार्ट में क्या दिया हुआ है. नाइन स्टूडेंट्स नेमली पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एंड एक्स आर सीटिंग इन अ रो इन सच ए वे दैट सम आर फेसिंग नॉर्थ व्हाइल अदर सिट्स फेसिंग साउथ. यहाँ पे क्या बोला गया है, एक रो में नाइन स्टूडेंट बैठे हुए हैं, कुछ लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं और कुछ लोग साउथ की तरफ देख रहे हैं. ठीक है, ईच स्टूडेंट बिलोंग्स टू डिफरेंट ग्रेड्स, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एथ नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ. यहाँ पे क्या बोला गया है कि हर एक स्टूडेंट यहाँ पे डिफरेंट ग्रेड्स बिलोंग करते हैं. ठीक है, ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर. At least four people sit facing south. यहाँ पे क्या बोला गया है कि कम से कम चार लोग south की तरफ देख रहे हैं, मतलब चार से ज्यादा भी हो सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे next paragraph में क्या बोला है, one who belongs to ninth grade sit third from either end of the row. मतलब हो सकता है लेफ्ट एंड से थर्ड पोजीशन में नाइन्थ ग्रेड हो सकता है राइट एंड से थर्ड पोजीशन में नाइन्थ ग्रेड हो. तो यहां पे हमें दो पॉसिबिलिटी मिल रहे हैं. क्लियर, सो फ्रेंड्स यहां पे हम लोग नाइन्थ ग्रेड को कौन से पोजीशन में रखेंगे, थर्ड पोजीशन में फ्रॉम एंड से. तो हो सकता है लेफ्ट एंड से थर्ड पोजिशन में हो, तो यहां पे हम लोग नाइन्थ ग्रेड लिख लेते हैं. क्लियर, हो सकता है राइट एंड से थर्ड पोजीशन में हो, तो यहां पे हम लोग नाइन्थ लिख लेते हैं. क्लियर, यहां पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, ओनली टू पीपल सिट बिटवीन यू एंड द वन हु बिलोंग्स टू नाइन्थ ग्रेड. यहां पे क्या बोला गया है कि जो पर्सन नाइन्थ ग्रेड से बिलोंग करता है और यू के बीच में यहां पे दो पर्सन बैठते हैं. क्लियर, तो यहां पे नाइन्थ ग्रेड वाले पर्सन यहां पे बैठेंगे और नाइन्थ ग्रेड और यू के बीच में दो लोग होंगे, तो यहां पे यू होंगे. क्लियर, तो यू और नाइन्थ ग्रेड के बीच में यहां पे दो लोग हैं. क्लियर, सेकेंड केस में यहां पे नाइन है तो यहां पे यू होगा, यू और नाइन के बीच में यहां पे दो लोग हैं. क्लियर, फिर यहां पे और एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वन हु बिलोंग्स टू एथ ग्रेड who doesn't sit adjacent to one who belongs to ninth grade sits second to left of you. यहाँ पे who किसके लिए बोला गया है, eighth grade में जो person है. क्लियर, और यहाँ पे जो comma के बाद जो यहाँ पे sentence लिखा हुआ है वो किसके लिए बोला गया है, ये eighth grade के लिए बोला गया है. you के left में second position में वो person बैठेगा जो एथ ग्रेड से बिलोंग करता है. क्लियर, और यहां पे क्या बोला गया है, एथ ग्रेड एडजेसेंट नहीं बैठेगा किसके, नाइन्थ ग्रेड के. क्लियर, सो फ्रेंड्स यहां पे यू के लेफ्ट में सेकेंड पोजीशन में एथ ग्रेड होगा और एथ ग्रेड और नाइन्थ ग्रेड एडजेसेंट नहीं होंगे. तो मान लीजिए यू
नॉट फेस करता है, तो नॉट फेस करेगा तो एट्थ ग्रेड कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, पर यहाँ पे तो बैठ नहीं सकते एट्थ, क्यों? क्योंकि एट्थ ग्रेड और नाइन्थ ग्रेड एडजेसेंट नहीं हो सकते, तो इसका मतलब क्या है, यू साउथ की तरफ फेस करेगा, अगर साउथ की तरफ फेस करेगा तो एट्थ ग्रेड कहाँ पर बैठेगा, इस पोजिशन में बैठेगा, क्लियर? सिमिलरली इस केस में एट्थ ग्रेड यहाँ पे नहीं होगा, अगर यू साउथ की तरफ फेस करता है तो, अगर साउथ की तरफ फेस करेगा तो एट्थ ग्रेड यहाँ पे होगा, यू के लेफ्ट में सेकेंड पोजिशन में एट्थ होगा, तो यू साउथ यहाँ पे फेस नहीं करेगा, क्या फेस करेगा, नॉर्थ फेस करेगा, नॉर्थ फेस करेगा तो एट्थ कौन से पोजिशन में होगा, यहाँ पे सेकेंड पोजिशन में, यू के लेफ्ट में, क्लियर? सो फ्रेंड्स यहाँ पे केस वन में यू साउथ की तरफ फेस कर रहा है और साउथ की तरफ फेस कर रहा है तो यू के लेफ्ट में सेकेंड पोजिशन में यहाँ पे एट बैठेगा, क्लियर? केस टू में यहाँ पे यू नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है और यू के लेफ्ट में सेकेंड पोजिशन में यहाँ पे एट ग्रेड वाली है, क्लियर? फिर यहाँ पे बोला है कि डब्ल्यू हु बिलोंग्स टू टेंथ ग्रेड सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ यू, यहाँ पे क्या बोला गया है, यू के इमीडिएट राइट में डब्ल्यू बैठेगा और डब्ल्यू कौन से ग्रेड से बिलोंग करता है, टेंथ ग्रेड से बिलोंग करता है, क्लियर? फ्रेंड्स हमें यहाँ पे केस वन और केस टू में हमें यहाँ पे यू का डायरेक्शन हमें पता चल चुका है, तो अगर केस वन में यू साउथ की तरफ फेस कर रहा है तो साउथ का राइट ये हो गया और साउथ का लेफ्ट ये हो गया, तो यू के इमीडिएट राइट में डब्ल्यू बैठेगा, तो डब्ल्यू यहाँ पे होगा, क्लियर? और डब्ल्यू कौन से ग्रेड से बिलोंग करता है, टेंथ ग्रेड से बिलोंग करता है, क्लियर? केस टू में यू नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है तो राइट ये हो जाएगा और लेफ्ट ये हो जाएगा, यू के इमीडिएट राइट में डब्ल्यू बैठा है और डब्ल्यू कौन से ग्रेड से बिलोंग करता है, टेंथ ग्रेड से बिलोंग करता है, क्लियर? फिर फ्रेंड्स यहाँ पे बोला गया है कि आर हु नाइदर सिट्स एडजेसेंट टू यू नॉट बिलोंग्स टू ट्वेल्थ ग्रेड सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ द वन belongs to seventh grade who neither sit adjacent to U nor sit adjacent to W. यहाँ पे who किसके लिए बोला गया है, R के लिए बोला है, क्या बोला गया है कि R adjacent नहीं होगा U के और ना ही वो belong करेगा 12th grade से, क्लियर? और यहाँ पे कॉमा के बाद जो यहाँ पे सेंटेंस लिखा गया है वो किसके लिए लिखा गया है, R के लिए लिखा गया है, क्या बोला गया है कि सेवेंथ इन ग्रेड के राइट में थर्ड पोजीशन में आर बैठेगा, क्लियर? और हु यहाँ पे किसके लिए बोला गया है, सेवेंथ ग्रेड के लिए बोला गया है, क्या बोला गया है कि सेवेंथ ग्रेड एडजेसेंट नहीं होगा यू के ना ही डब्ल्यू के एडजेसेंट होगा, क्लियर? सो फ्रेंड्स हम लोग ने पढ़ा कि सेवेंथ ग्रेड में जो पर्सन बिलोंग करता है उसके राइट में थर्ड पोजिशन में आर बैठेगा और आर ना ही ट्वेल्थ ग्रेड से बिलोंग करता है, ना ही आर यू के एडजेसेंट में बैठता है, क्लियर? और यहाँ पे क्या बोला गया था कि सेवेंथ ग्रेड जो पर्सन बिलोंग करता है वो यू और डब्ल्यू के एडजेसेंट नहीं होंगे, क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग केस वन देख लेते हैं। केस वन में यहाँ पे डब्ल्यू के एडजेसेंट में यहाँ पे सेवेंथ नहीं होगा, यहाँ पे भी सेवेंथ नहीं होगा, क्लियर? और R कहाँ कहाँ नहीं हो सकता है, R यहाँ पे भी नहीं हो सकता, क्लियर? तो अगर मान लीजिए सेवेंथ इस पोजीशन में, तो सेवेंथ के राइट में अगर सेवन नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो राइट में थर्ड पोजीशन में यहाँ पे R होगा, क्लियर? तो यहाँ तो R हो सकता है, अगर सेवन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं तो थर्ड पोजीशन क्या हो जाएगा, वन टू थ्री यहाँ पे क्या होना चाहिए, R होना चाहिए, पर यहाँ पे पहले से ही W बैठा होगा, क्लियर? और यहाँ पे तो सेवन हो नहीं सकता है, यहाँ पे भी सेवन हो नहीं सकता है, तो और कोई ऐसा पोजीशन हम लोग को दिख नहीं रहा है कि सेवन हो, यहाँ पे भी अगर हम लोग सेवन लिखते हैं तो वन टू थ्री यहाँ पे यू बैठा हुआ है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, आर होना चाहिए था, ये और यहाँ पे भी सेवन होगा नहीं, क्यों, क्योंकि यू और डब्ल्यू के एडजेसेंट में सेवन ग्रेड वाले पर्सन नहीं होंगे, क्लियर? तो यहाँ पे बस हम लोगों को एक ही पोजिशन यहाँ पे मिल रहा है सेवेंथ ग्रेड के, क्लियर? तो यहाँ पे सेवेंथ
लेफ्ट एंड में बैठ गया और सेवेंथ ग्रेड वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है और नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है तो सेवेंथ के राइट में थर्ड पोजीशन में यहाँ पे आर बैठ गया. क्लियर. अब हम लोग केस टू देख रहे हैं. केस टू में यहाँ पे भी सेवन हो नहीं सकता है, यहाँ पे भी सेवन हो नहीं सकता है और आर कहाँ नहीं हो सकता है, आर यहाँ पे नहीं हो सकता है. क्लियर. तो यहाँ पे मान लीजिए अगर हम लोग सेवेंथ लिखते हैं तो वन टू थ्री यहाँ पे आर होना चाहिए था पर यहाँ पे पहले से ही यू बैठा होगा. क्लियर. तो यहाँ तो सेवन होगा नहीं और यहाँ पे भी सेवन हो नहीं सकता है और यहाँ पे भी सेवन हो नहीं सकता है. अगर मान लीजिए यहाँ पे सेवन है तो सेवन के राइट में वन टू थ्री यहाँ पे डब्ल्यू बैठा होगा तो यहाँ पे आर होना चाहिए था पर यहाँ पे पहले से ही डब्ल्यू बैठा होगा तो यहाँ पे भी हो नहीं सकता है. तो यहाँ पे सेवन अगर हम लोग लिख लेते हैं तो सेवन के राइट साउथ फेस करेगा सेवन, वन टू थ्री यहाँ पे क्या होना चाहिए, आर होगा. क्लियर. तो यहाँ पे भी केस टू में बस एक ही हम लोगों को पॉसिबिलिटी मिल रहा है और एक ही पोजिशन यहाँ पे मिल रहा है सेवन का. क्लियर. सो फ्रेंड्स यहाँ पे केस टू में राइट एंड में सेवेंथ ग्रेड वाले पर्सन को बैठा दिया जो साउथ की तरफ फेस कर रहा है और साउथ फेस कर रहा है तो राइट ये हो गया और राइट में थर्ड पोजिशन में वन टू थ्री यहाँ पे आर बैठ गया. क्लियर. फिर फ्रेंड्स यहाँ पे सेंटेंस लिखा ओनली टू पीपल सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड एक्स हु नाइदर सिट एडजेसेंट टू आर नॉर एडजेसेंट टू वन हु बिलोंग्स टू फोर्थ ग्रेड. यहाँ पे हु किसके लिए बोला गया है, एक्स के लिए बोला गया है. क्या बोला गया है कि एक्स एडजेसेंट नहीं होगा आर के, ना ही एडजेसेंट होगा फोर्थ ग्रेड में जो पर्सन है और यहाँ पे क्या बोला गया है डब्ल्यू और एक्स के बीच में दो लोग बैठेंगे. क्लियर. फ्रेंड्स हम लोग ने पढ़ा कि डब्ल्यू और एक्स के बीच में दो पर्सन बैठेंगे और एक्स ना ही आर और ना ही फोर्थ ग्रेड वाले पर्सन के एडजेसेंट होंगे. क्लियर. तो यहाँ पे डब्ल्यू है तो डब्ल्यू और एक्स के बीच में दो लोग बैठेंगे तो हो सकता है एक्स यहाँ पे हो, दो पर्सन है, हो सकता है एक्स यहाँ पे हो. तो यहाँ पे हमें केस वन के दो पॉसिबिलिटी मिल रहे. तो डब्ल्यू यहाँ पे है तो एक्स यहाँ पे होगा और डब्ल्यू यहाँ पे है तो एक्स यहाँ पे होगा. क्लियर. सिमिलरली यहाँ पे केस टू के भी हमें दो पॉसिबिलिटी मिलेंगे. डब्ल्यू यहाँ पे है तो एक्स यहाँ पे होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू और एक्स के बीच में यहाँ पे दो पर्सन है. फिर यहाँ पे डब्ल्यू है तो एक्स यहाँ पे हो सकता है. क्लियर. तो यहाँ पे भी हमें केस टू के दो पॉसिबिलिटी मिल रहे हैं. क्लियर. फिर यहाँ पे देखिए ओनली थ्री पीपल सिट बिटवीन दी वन हु बिलोंग्स टू सिक्स ग्रेड एंड दी वन हु बिलोंग्स टू इलेवेंथ ग्रेड. यहाँ पे क्या बोला गया है कि सिक्स ग्रेड में जो पर्सन बिलोंग करता है और इलेवेंथ ग्रेड में जो पर्सन बिलोंग करता है उन दोनों के बीच में तीन लोग बैठते हैं. क्लियर. फिर यहाँ पे और एक सेंटेंस दिया हुआ है कि पर्सन सिटिंग एट द एंड ऑफ द रो सिट्स फेसिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. क्लियर. फिर हमने पढ़ा कि सिक्स और इलेवेंथ ग्रेड के बीच में तीन लोग बैठेंगे और जो एंड में बैठे हैं वो लोग ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे. जैसे यहाँ पे केस वन में सेवेंथ ग्रेड वाले पर्सन यहाँ पे क्या फेस करें, नॉर्थ फेस करें जो कि लेफ्ट एंड में बैठे हुए हैं और जो राइट एंड में बैठेंगे वो क्या फेस करेंगे, साउथ फेस करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे. सिमिलरली इस केस में भी सेवेंथ ग्रेड वाले पर्सन यहाँ पे लेफ्ट एंड में नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं तो राइट एंड में जो पर्सन यहाँ पे बैठेगा वो साउथ फेस करेगा. ये सिमिलरली इन केस टू ऑल्सो सेवेंथ ग्रेड वाले पर्सन यहाँ पे राइट एंड में बैठे हैं जो साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं तो यहाँ पे लेफ्ट एंड में जो पर्सन यहाँ पे बैठेगा वो नॉर्थ की तरफ फेस करेगा. ये अब हम लोग इस कंडीशन को फिक्स करते हैं. अगर हम लोग यहाँ पे सिक्स रखते हैं तो सिक्स और इलेवन के बीच में तीन लोग होने चाहिए तो वन टू थ्री यहाँ पे इलेवन हो सकता है. मान लीजिए यहाँ पे सिक्स है, सिक्स और इलेवन के बीच में तीन लोग होने चाहिए तो वन टू थ्री यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इलेवेंथ ग्रेड होना चाहिए था पर यहाँ पे पहले से ही हम लोग ने एट्थ ग्रेड लिख दिया. क्लियर. और कहीं तो हम लोग यहाँ पे फिक्स नहीं कर सकते हैं. क्लियर.
तो मान लीजिए यहाँ पे 6 भी हो सकता है, यहाँ पे 11 भी हो सकता है, यहाँ पे भी 11 हो सकता है, 6 भी हो सकता है, क्लियर। अब हम लोग इस केस को देख लेते हैं। इस केस में मान लीजिए यहाँ पे 6 बैठा है, तो 6 और 11 के बीच में 3 लोग होना चाहिए, 1 2 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यहाँ पे 6 हो गया तो 1 2 3, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 11 होना चाहिए था, क्लियर। और कोई यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी है नहीं इसको छोड़ के, तो यहाँ पे भी 11 हो सकता था, यहाँ पे भी 6 हो सकता था, क्लियर। सिमिलरली इन केस 2 ऑल्सो, अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 बैठा है या तो 11 बैठा है, तो 6 और 11 के बीच में 3 लोग होने चाहिए, तो 1 2 3, यहाँ पे 6 या तो 11 होना चाहिए था, पर यहाँ पे पहले से ही हम लोग W को क्या अलॉट कर चुके, 10 अलॉट कर चुके, तो यहाँ पे 6 या तो 11 होगा नहीं, 6 या तो 11 यहाँ हो सकता है, 1 2 3, यहाँ पे भी 6 या तो 11 हो सकता था, पर यहाँ पे पहले से हम लोग ने 9 अलॉट कर चुके हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 6 या तो 11 होगा नहीं। मान लीजिए यहाँ पे 6 या तो 11 हुआ, तो 6 और 11 के बीच में 1 2 3 लोग होंगे, तो यहाँ पे 6 या तो 11 हो सकते हैं, तो हमें बस यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी मिल रहा है, 6 और 11 के पोजिशन यहाँ पे फिक्स हो रहे हैं, क्लियर। सिमिलरली केस 2 के इस केस में भी यहीं पे 6 या तो 11 होगा, और 6 या तो 11 यहीं पे होगा, और 6 और 11 के बीच में यहाँ पे 3 लोग होंगे, क्लियर। फिर यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वन हु बिलोंग्स टू 6th ग्रेड सिट थर्ड टू राइट ऑफ क्यू हु सिट्स फेसिंग नॉर्थ। यहाँ पे वो किसके लिए बोला गया है, क्यू के लिए बोला गया है। क्या बोला गया है? कि क्यू के राइट में थर्ड पोजीशन में 6th ग्रेड होगा और क्यू नॉर्थ की तरफ देखता है, क्लियर। सो फ्रेंड्स, हम लोग ने पढ़ा कि क्यू नॉर्थ की तरफ देखता है, तो क्यू के राइट में थर्ड पोजीशन में 6th ग्रेड होना चाहिए। तो क्यू कहां पे हो सकता है, क्यू तो यहाँ पे कोई यहाँ पे प्लेस नहीं बच रहा है, यहाँ पे कोई सीट नहीं बच रहा है, इसका मतलब 6 यहाँ पे नहीं होगा, 6 इस जगह पे होगा, और 6 कौन से पोजीशन में है, क्यू के राइट में थर्ड पोजीशन में है, तो 1 2 3 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, और क्यू नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, क्लियर। इस केस में भी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे 6 नहीं होगा, यहाँ पे 11 होगा, और यहाँ पे 6 हो जाएगा, और क्यू कहाँ पे हो जाएगा, क्यू इस जगह पे हो जाएगा, और क्यू नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, क्लियर। सिमिलरली इस केस में भी, केस 2 में भी, अगर हम लोग यहाँ पे 6 कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्यू होना चाहिए, क्यू के राइट में थर्ड पोजीशन में 6, पर यहाँ पे पहले से ही W बैठा हुआ है, तो इस जगह में 11 होगा और इस जगह में 6 होगा, और क्यू के राइट में थर्ड पोजीशन में 6 है, तो यहाँ पे पहले से ही लेफ्ट एंड में जो पर्सन यहाँ पे बैठेगा वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। सिमिलरली इस केस में भी यहाँ पे भी क्यू बैठेगा, और क्यू के राइट में थर्ड पोजीशन में 6 बैठेगा, और यहाँ पे इस पोजीशन में 11 बैठेगा, क्लियर। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि टी हु डजंट सिट एडजेसेंट टू वन हु बिलोंग्स टू 5th ग्रेड सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ वी, मतलब वी के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन में टी बैठेगा, पर टी एडजेसेंट नहीं होगा उस पर्सन के जो 5th ग्रेड से बिलोंग करते हैं, क्लियर। सो फ्रेंड्स, हम लोग ने पढ़ा कि वी के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन में टी होगा और टी 5th ग्रेड के एडजेसेंट नहीं होगा, क्लियर। तो हम लोग सबसे पहले केस 1 देखते हैं, तो केस 1 में वी और टी के लिए बस हम लोगों को यही पोजीशन मिल रहे हैं, तो V अगर यहाँ पे होता है तो V का लेफ्ट तो इस साइड हो जाता है, तो V के लेफ्ट में यहाँ पे तो और कोई सीट है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे V होगा नहीं, V यहाँ पे होगा, V के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन में T है, तो T कहाँ पे हो सकता है, T यहाँ पे होगा, तो V के लेफ्ट में है, इसका मतलब क्या है, V साउथ की तरफ फेस करेगा, क्लियर।
अब हम लोग ये केस देख लेते हैं, इस केस में भी V इसी पोजीशन में होगा और V साउथ की तरफ फेस करेगा और V का लेफ्ट क्या हो गया, ये लेफ्ट हो गया, तो V के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन में यहाँ पे T बैठेगा, ठीक है। अब हम लोग केस टू देख लेते हैं, केस टू में V और T कहाँ पे बैठ सकते हैं, V और T इसी पोजीशन में बैठेगा, क्लियर। तो V यहां पे बैठेगा और V का लेफ्ट, तो ये लेफ्ट हो जा रहा है, तो लेफ्ट में तो यहां पे और कोई सीट है नहीं, तो V यहां पे हो नहीं सकता है, तो V अगर यहां पे है तो T कहां पे हो जाएगा, T यहां पे होगा, क्यों, क्योंकि V यहां पे साउथ की तरफ फेस कर रहा है, क्लियर। सिमिलरली इस केस में भी V यहां पे होगा और T यहां पे होगा, V यहां पे किस डायरेक्शन फेस कर रहा है, साउथ की तरफ फेस कर रहा है, क्लियर। और फ्रेंड्स यहां पे एक सेंटेंस लिखा है कि पर्सन एडजेसेंट टू वी सिट्स फेसिंग इन सेम डायरेक्शन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू वी। यहां पे क्या बोला गया है कि वी के एडजेसेंट में जो पर्सन बैठेंगे वो सेम डायरेक्शन फेस करेंगे बट ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वी, मतलब वी जिस डायरेक्शन में फेस कर रहा है उसके ऑपोजिट वाले डायरेक्शन में फेस करेंगे वी के नेबर्स, क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग केस वन देख लेते हैं, तो केस वन में यहां पे हम लोग ने पढ़ा कि वी के ऑपोजिट डायरेक्शन में वी के नेबर्स फेस करेंगे, तो यहां पे वी साउथ की तरफ फेस कर रहा है और यहां पे यू क्या है, वी के नेबर है, तो यहां पे यू भी साउथ की तरफ फेस कर रहा है, पर यहां पे क्या होना चाहिए था, यू नॉर्थ की तरफ फेस करना चाहिए था, पर ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे गलत हो गई, क्लियर। अब हम लोग ये वाला केस देख लेते हैं, इस केस में भी सेम वही है कि वी साउथ की तरफ फेस कर रहा है और यू भी साउथ की तरफ फेस कर रहा है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था कि वी अगर साउथ की तरफ फेस कर रहा है तो वी के नेबर जो कि यू है वो नॉर्थ की तरफ फेस करना चाहिए था, क्लियर। तो यहाँ पे केस वन के दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे गलत हो गए, क्लियर। अब यहाँ पे केस टू देख लीजिए, केस टू में V साउथ की तरफ फेस कर रहा है, इस केस में भी V साउथ की तरफ फेस कर रहा है, तो इसका मतलब कि V के यहाँ पे जो नेबर्स हैं वो लोग नॉर्थ की तरफ फेस करेंगे, क्लियर, दोनों पॉसिबिलिटी में, क्लियर। फ्रेंड्स यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि P who doesn't belongs to ninth grade sit second to राइट ऑफ वन हु बिलोंग्स टू फोर्थ ग्रेड, मतलब क्या है, फोर्थ ग्रेड में जो पर्सन है जो बिलोंग करता है फोर्थ ग्रेड से, उस पर्सन के राइट में सेकेंड पोजिशन में पी बैठेगा। यहाँ पे हु किसके लिए बोला गया है, पी के लिए बोला गया है, क्या बोला गया है कि पी बिलोंग नहीं करता है नाइन्थ ग्रेड से, क्लियर। सो फ्रेंड्स हम लोग ने पढ़ा कि फोर्थ ग्रेड के राइट में सेकेंड पोजिशन में पी होगा और पी नाइन्थ ग्रेड से बिलोंग नहीं करते हैं, और हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा था कि x फोर्थ ग्रेड के एडजेसेंट नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लोग केस टू के यहाँ पे पहला पॉसिबिलिटी हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे x है तो x के एडजेसेंट में यहाँ पे फोर होगा नहीं, यहाँ पे भी फोर होगा नहीं, क्लियर। तो यहाँ पे बस एक ही एक यहाँ पे पोजिशन खाली है फोर्थ ग्रेड का, तो यहाँ पे फोर्थ ग्रेड हो गया और फोर्थ के राइट में सेकेंड पोजिशन में क्या होगा, पी होगा, तो यहाँ पे हम लोग ने पी लिखी है, ठीक। अब हम लोग ये केस देख लेते हैं, इस केस में क्या बोला गया है कि फोर्थ ग्रेड के राइट में सेकंड पोजीशन में पी होगा, अगर हम लोग यहाँ पे फोर लिख लेते हैं तो फोर के राइट में सेकंड पोजीशन में यहाँ पे पी होना चाहिए, पर यहाँ पे पहले से ही एक्स को हम लोग ने अलॉट कर दिए, तो यहाँ पे फोर होगा नहीं, फोर हो सकते हैं यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे हो, अगर इस पोजीशन में फोर है तो फोर के राइट में सेकंड पोजीशन में यहाँ पे पी होगा, अगर फोर यहाँ पे है, मान लीजिए इस पोजीशन में कोई पर्सन है जो नॉर्थ की तरफ फेस कर, नॉर्थ की तरफ अगर फेस कर रहा है तो फोर्थ ग्रेड के राइट में सेकंड पोजिशन में यहाँ पे पी होना चाहिए, तो पर यहाँ पे पहले से ही डब्ल्यू है, ठीक। अगर ये साउथ की तरफ फेस कर रहा है तो साउथ की तरफ फेस करेगा तो राइट ये पोजिशन हो जाएगा, तो इस पोजीशन में पहले से ही क्यू बैठा होगा, इसका मतलब यहाँ पे फोर होगा नहीं, क्लियर, तो यहाँ पे ही फोर होगा,
सो फ्रेंड्स यहाँ पे बस एक ही पर्सन को हम लोगों को अलॉट करना बाकी है, तो यहाँ पे हम लोग एस लिख देंगे, क्लियर। तो यहाँ पे बस एस ही बस बचा हुआ था, क्लियर। और यहाँ पे ग्रेड कौन कौन से बाकी है, 12th ग्रेड बाकी है और एक 5th ग्रेड बाकी है, क्लियर। और हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा था कि आर 12th ग्रेड से बिलोंग नहीं करता है, तो इस केस में आर यहाँ पे 12th ग्रेड तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5th हो जाएगा और पी 12th ग्रेड से बिलोंग करेगा, क्लियर। और इस केस में हो सकता है क्यू 12th ग्रेड से बिलोंग करे, हो सकता है 5 ग्रेड से भी बिलोंग करे, यहाँ पे एस 12th ग्रेड से भी बिलोंग कर सकता है, हो सकता है 5 ग्रेड से भी बिलोंग करे, क्लियर। फ्रेंड्स यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, एस हु नाइदर सिट्स एट एनी एंड नॉर बिलोंग्स टू 9th सिट्स 4th टू लेफ्ट ऑफ वन हु बिलोंग्स टू 5th ग्रेड। यहाँ पे वो किसके लिए बोला गया है, एस के लिए बोला गया है। क्या बोला गया है कि एस ना ही एंड पे बैठता है और ना ही बिलोंग करता है 9th ग्रेड से, क्लियर। और यहाँ पे कॉमा के बाद जो यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ वो क्या बोला गया है कि 5th ग्रेड के लेफ्ट में 4th पोजिशन में एस बैठेगा, क्लियर। और एक यहाँ पे बोला गया है सेंटेंस, एक्स एंड डब्ल्यू सिट्स फेसिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक्स अगर नॉर्थ फेस कर रहा है तो डब्ल्यू साउथ फेस करेगा, अगर एक्स साउथ फेस कर रहा है तो डब्ल्यू नॉर्थ फेस करेगा, क्लियर। सो फ्रेंड्स हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा कि एक्स और डब्ल्यू ऑपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे फेस करते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे इस केस में तो हमें डब्ल्यू और एक्स का यहाँ पे पोजिशन हम लोगों को पता नहीं चल रहा, पर इतना पता है कि एक्स और डब्ल्यू का यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। इस केस में हम लोगों को पता चल सकता है कैसे, यहाँ पे एक्स का यहाँ पे डायरेक्शन क्या दिया हुआ है, नॉर्थ दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, डब्ल्यू का यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, साउथ होगा, क्लियर। और एक हम लोग ने पॉइंट पढ़ा था कि 5th ग्रेड के लेफ्ट में 4th पोजिशन में कौन बैठेगा, एस बैठेगा, जो ना ही एंड में बैठेगा और ना ही वो 9th ग्रेड से बिलोंग करेगा, क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग ये केस देख लेते हैं, इस केस में हम लोग ने क्या बोला है कि क्यू हो सकता है 12th ग्रेड से बिलोंग करे, हो सकता है 5th ग्रेड से बिलोंग करे, एस हो सकता है 12th ग्रेड से बिलोंग करे, हो सकता है 5th ग्रेड से बिलोंग करे। पर इस कंडीशन से हम लोगों को पता चल रहा है कि एस 5th ग्रेड से तो बिलोंग नहीं कर सकता, 12th ग्रेड से ही बिलोंग करेगा और क्यू 5th ग्रेड से बिलोंग करेगा, और 5th के लेफ्ट में 4th पोजिशन में कौन होना चाहिए, एस होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 5th के राइट में 2nd पोजीशन में कौन है, एस बैठा हुआ, तो इसका मतलब क्या है, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे रॉन्ग हो गई, ठीक। अब हम लोग ये वाला केस देख लेते, इस केस में क्या बोला है कि 5th के लेफ्ट में 4th पोजीशन में कौन होना चाहिए, एस होना चाहिए। तो यहाँ पे 5th कौन सा पर्सन है, आर है, तो आर के लेफ्ट में 1 2 3 4 फोर में क्या है, एस है, जो एंड में नहीं बैठा है और ना ही 9th ग्रेड से बिलोंग करता है, क्लियर। और हम लोग ने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में पढ़ा था कि एटलीस्ट 4 पीपल साउथ की तरफ फेस करना चाहिए, क्लियर। तो यहाँ पे 1 2 3 हो सकता है, यहाँ पे एस साउथ फेस करे या तो नॉर्थ फेस करे, हो सकता है पी यहाँ पे साउथ फेस करे या तो नॉर्थ फेस करे, ये हमें यहाँ पे पता नहीं चल रहा, पर इन दोनों में से कोई एक यहाँ पे हो सकता है साउथ जरूर होगा, क्लियर। हो सकता है पी भी यहाँ पे साउथ फेस करे, हो सकता है ये दोनों ही यहाँ पे साउथ फेस करे, पर इन दोनों में से कोई एक साउथ जरूर होगा, हो सकता है दोनों ही साउथ फेस करे, क्यों, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में बताया गया था कि 4 पर्सन यहाँ पे एटलीस्ट क्या होना चाहिए, साउथ फेस करना ही करना है, पर यहाँ पे तो हमें डायरेक्शन पता नहीं चल रहा है एस और पी का, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अननोन यहाँ पे रख दिए, ठीक। सो फ्रेंड्स ये तो रहा हम लोग का फाइनल अरेंजमेंट, अब हम लोग इस पजल के क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन 1, हु सिट्स 3rd टू लेफ्ट ऑफ वन हु बिलोंग्स टू 11th ग्रेड, मीन्स
11th ग्रेड के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन में कौन बैठा हुआ है? तो एक्स के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन में कौन बैठा हुआ है? डब्ल्यू बैठा हुआ है। तो इन ऑप्शन में से कौन सा सही है? ऑप्शन बी। क्लियर? क्वेश्चन टू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? हमें इन ऑप्शन में से ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ऑप्शन ए, वन हु बिलोंग्स टू एथ ग्रेड सिट्स सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ द वन हु बिलोंग्स टू सिक्स ग्रेड। क्या सिक्स ग्रेड के लेफ्ट में सेकेंड पोजिशन में एट ग्रेड है? सिक्स के लेफ्ट में सेकेंड पोजिशन में एट है। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? सही है। ऑप्शन बी, ओनली फोर पर्सन सिट्स बिटवीन वन हु बिलोंग्स टू फोर्थ ग्रेड एंड आर। फोर्थ ग्रेड एंड आर के बीच में चार लोग होने चाहिए, वन टू थ्री फोर, फोर लोग हैं। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे सही है। ऑप्शन सी, वन हु बिलोंग्स टू सिक्स ग्रेड सिट्स सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ एस। क्या एस के लेफ्ट में सेकेंड पोजिशन में सिक्स ग्रेड है? एस के लेफ्ट में, यहाँ पे तो हमें एस का डायरेक्शन ही नहीं पता, तो हम लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि एस के लेफ्ट में सेकेंड पोजिशन में सिक्स ग्रेड हो? हम लोग ये बता नहीं सकते हैं। ऑप्शन डी, वन हु बिलोंग्स टू फिफ्थ ग्रेड सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ वी। क्या वी के इमीडिएट राइट में फिफ्थ ग्रेड है? वी के इमीडिएट राइट ये हो गया, यहाँ पे फिफ्थ ग्रेड है। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे सही है। क्लियर? तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमें नॉट ट्रू लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे एस का यहाँ पे डायरेक्शन ही नहीं पता, तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि एस के लेफ्ट में सेकेंड पोजिशन में सिक्स ग्रेड है? क्लियर? क्वेश्चन थ्री, इफ ऑल द स्टूडेंट्स आर रीअरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ग्रेड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन हाउ मेनी पर्सन रिमेन्स अनचेंज? यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि सारे स्टूडेंट्स को अगर हम लोग अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर ग्रेड्स में लेफ्ट टू राइट, तो हमें ये बताना है कि कितने पर्सन यहाँ पे अनचेंज होते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं ग्रेड्स को, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। तो यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे अनचेंज ग्रेड है? फोर और एक इलेवन। इसका मतलब है कि यहाँ पे दो पर्सन क्या है? अनचेंज है। तो इन ऑप्शन में से कौन से सही है? ऑप्शन डी, टू। क्वेश्चन फोर, हु सिट्स सेकेंड टू राइट ऑफ वन हु बिलोंग्स टू ट्वेल्थ ग्रेड। ट्वेल्थ ग्रेड के राइट में सेकेंड पोजीशन में कौन बैठता है? ट्वेल्थ के राइट में सेकेंड पोजीशन में हमें बताना है, पर यहाँ पे तो हमें ट्वेल्थ जो बी है यहाँ पे हमें डायरेक्शन ही नहीं पता है इसका, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ट्वेल्थ के राइट में सेकेंड पोजीशन में कौन बैठा होगा? तो इस ऑप्शन में से हमें ऑप्शन ई सही लगता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर? क्वेश्चन फाइव, लास्ट क्वेश्चन, इफ क्यू सिट्स सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ पी, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वन हु बिलोंग्स टू एट ग्रेड? यहाँ पे क्या बोला गया है? एक कंडीशन दिया हुआ है कि बी के लेफ्ट में सेकेंड पोजिशन में क्यू है, तो इसका मतलब क्या है? पी नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहा है। क्लियर? अब हमें ये बताना है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यू, हमें यू का पोजीशन बताना है किसके रेस्पेक्ट में? एट्थ ग्रेड के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे एट्थ ग्रेड कौन है? एट्थ ग्रेड एस है, और हमें ये पता है कि इंस्ट्रक्शन में मेंशन था कि इनमें एटलीस्ट फोर पीपल क्या होने चाहिए? साउथ फेस करने चाहिए। क्या? तो यहाँ पे एक पर्सन है जो साउथ फेस कर रहा है, दूसरा पर्सन, तीसरा पर्सन, और इन दोनों में से कोई एक पर्सन हमें साउथ बताना था। तो यहाँ पे तो एक फिक्स हो गया कि बी के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन में क्यू है, तो यहाँ पे क्यू नॉर्थ फेस कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? एस
क्या फेस करेगा? साउथ फेस करेगा. क्लियर? तो हमें ये बताना है कि एस के रेस्पेक्ट में यू का पोजीशन क्या है. एस के रेस्पेक्ट में यू का पोजीशन क्या है? लेफ्ट सेकंड में है. तो इन ऑप्शन में से कौन सा सही है? ऑप्शन बी, सेकंड टू लेफ्ट. क्लियर? होप यू लाइक दिस पजल. डू लाइक, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस पजल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग.